अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हमारे यहाँ आज बाहर बर्फबारी हो रही थी, तो हमने कहा कि हम व्लॉग बनाते हैं। तो मेरे साथ हैं, कौन है? तारा करा दिया आप अपना व्लॉगर मोहम्मद अवकाश। आप कौन है भाई? सकला है। मैं इंस्टाग्राम नहीं नहीं मैं हूँ स्टूडेंट मेडिकल आप... का मैं इंस्टाग्राम जब इंस्टाग्राम ओपन करेंगे तो आप इस बंदे को लाजमी देखेंगे, वरना आपका इंस्टाग्राम यूज करने का हक अदा नहीं होता। तो ठीक है, चलते हैं आगे और आपको बर्फ दिखाते हैं कि अराक में बर्फ कितनी कैसे पड़ रही है। ये है गली हमारे हॉस्टल के साथ, बिल्कुल ही साथ। तो यहाँ पर देखे वो लोग जा रहे हैं। हम आगे जाते हैं, एक हॉस्टल के साथ ही ना एक पार्क है, इस पार्क में जाते हैं और आपको दिखाते हैं पार्क में कितनी बर्फ पड़ी हुई है। ओ ये तो बस जा रही है। हम आए हुए हैं जो हमारे हॉस्टल के साथ ही ना पार्क है ना, पार्क उसमें आए हुए हैं। ओए ये देखिए इतनी इतनी बर्फ पड़ी हुई है। ओए इधर दे आकाश भी आ जाए। आकाश आई थिंक हर बार दिखा, चेक करो ये देख ले। हमारे ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं टांग गोडा, हमारे गोरे गोरे तक हमारे गोरे बर्फ में धंस गए। अच्छा तो व्यूअर्स आपको बताते हैं जब ये क्या हो गया भाई, अबे कोई तो लिहाज कर, सीनियर है हमारा। जब यहाँ पे बर्फबारी स्टार्ट होती है ना तो देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या हाल होता है बराबर। सड़कें बंद हो जाती हैं इधर, सड़कें कहाँ बंद होती है, मुकाला सड़कें तो चल रही हैं, बंद हो जाती हैं ना। मशीन पे मेरे पाँव चल रहे हैं, ये रेडी दिखे और सर पैर से नहीं। ओए ये बनाओ, ये बनवा दे मेरे पास। ये जी हमें आकाश का भाई मिला है, इधर छोटा भाई आकाश का, देखें जी इसे। ये है आकाश, आकाश भी आ जाए। मुझे लगता है हमें वापस हॉस्टल जाना पड़ेगा, हमारे सारे शूज में बर्फ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हाल होता है बर्फबारी का, बहुत ही बुरा हाल हो जाता है कसम से। दो दो तीन तीन फुट, चार चार पाँच पाँच फुट तक भी बर्फ जम जाती है। आज तो वैसे भी सुबह की बर्फबारी हो रही है, थोड़ा बहुत व्लॉग बना लेते हैं, लेकिन शुरू में कुछ काम थे लेकिन अब तो ज्यादा हो रही है। वैसे हम बाहर बहुत बर्फबारी है भाई कसम से, पहले भी हो रही थी तकरीबन दो दो या तीन तीन घंटा मुसलसल होती थी, लेकिन आज तो तकरीबन हद कर दी पिछले 18 घंटे से मुसलसल। और वैसे भी हमें यूनिवर्सिटी की छुट्टियां हैं, हफ्ते में एक दिन क्लास होती है, छह दिन छुट्टी होती है और ऊपर से यूनिवर्सिटी छुट्टी भी नहीं दे रही है, पाकिस्तान जाए आप। क्या जा रहे हैं, हमने शहद लेनी थी शहद, तो मार्केट में चलते हैं, पहले शहद लेते हैं और उसके बाद आपको जो बाकी मार्केट है उसको भी दिखाएंगे कि स्नोफॉल में मार्केट क्या व्यू पेश कर रही है। और हमारे साथ हैं हमारे अफगानी भाई, ये अफगानिस्तान से और यहाँ पर कर रहे हैं BDS डेंटिस्ट्री कर रहे हैं, और ये हमारे इधर हॉस्टल भी हॉस्टल में रहते हैं हमारे, हमसे तो ऊपर वाले फ्लोर में रहते हैं लेकिन रहते हैं हमारे ही हॉस्टल में। तो ये हमारे साथ हैं, तो चलते हैं शायद लेते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ स्ट्रीट्स और मार्केट का व्यू। हम शॉप्स में जा रहे थे मार्केट की तरफ, तो ये हमारे हॉस्टल साथ जो गली है ये लोगों ने गाड़ियां पार्क की हुई हैं। तो हम बिल आखिर इस दुकान पे आए हैं यहाँ पर, क्योंकि जो शहद है ना वो सस्ती थी। देखे फारसी में ना शहद कहते हैं उसल, यहाँ पर उसल मतलब 100 तुमान मतलब पाकिस्तानी 700-800 की किलो था। तो हम यहाँ हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये देखा है आपने,
ये लॉक्ड है, शॉप बंद है, तो फिर चलते हैं दूसरी मार्केट, वहां से शहद ढूंढते हैं क्योंकि आज बर्फबारी है ना, तो लड़कों को शहद की बहुत जरूरत है। ये हमारे हॉस्टल के साथ जो स्ट्रीट है इसका नाम है कूचा गुलजार 7 और ख़याबान है इमाम हुसैन। हम इसमें जा रहे हैं, आगे चलते हैं मार्केट की तरफ, देखते हैं मार्केट खुली है या बंद हो गई है। ये ईरानी है तो बहुत ही सुस्त, देखो बर्फ में इन्होंने बंद ना कर दिया शॉप, इनकी शॉप जाकर देखते हैं। ये है जो ईरान की पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, पब्लिक सर्विस जो गुजरती है ना, वो उसका एक छोटा सा अड्डा बनाया है इन्होंने, स्टैंड है जहाँ पर लोग आकर बैठते हैं और फिर वहाँ से वो उनकी जो गाड़ी है वो गुजरती है। यहाँ पर ईरानी ने ना वो स्नोमैन बनाया हुआ था, तो हम चलते हैं इनके पास, देखते हैं किस तरह ये बना रहे हैं, कोशिश करते हैं इनकी वीडियो रिकॉर्ड करने की। आओ भाई, बच्चे बड़ी मेहनत कर रहे हैं इसमें, शुमा चाहिए बच्चा जी, इसमें मोहम्मद अली, बच्चे बड़े क्यूट हैं भाई, बच्चे बड़े क्यूट हैं और इन्होंने आदमी बड़ा क्यूट बनाया हुआ है। हमारे बच्चे बहुत क्यूट हैं, माशाल्लाह बहुत क्यूट हैं। इनमें और इनमें आपको फर्क बिल्कुल नजर आता होगा, अब ज्यादा मैं नहीं बोल सकता। ईरानी पब्लिक बर्फ इंजॉय करते हुए घर से बाहर निकल के। तो गैस हम आ रहे थे तो मेरी नज़र पड़ी समूमिलात पे, ये इतना मज़लूम रेस्टोरेंट है कि जितने भी हमारे पाकिस्तानी हैं ना, जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको इराक में इसके अलावा कोई और रेस्टोरेंट नहीं मिलता, वो हमेशा इसमें आते हैं। और स्पेशली जो हमारे जितने भी इधर हमारे साथ कपल्स रहते हैं ना, वो भी बेचारे मासूम लोग भी इधर आते हैं और हमेशा की तरह पकड़े जाते हैं बेचारे। हमने सोचा इस गली में चलते हैं, इस गली को एक्सप्लोर करते हैं। जी हमारे सीनियर साहब को देखें कितना धंस चुके हैं बर्फ में। चल बस कर। सलाम वालेकुम जी, ऐसा बोलिए सिसानी हो जाएगी।